चले। हमारे पास एक अगर अपन बात करें तो पॉलिनोमियल्स की ही बात करें और क्लास नाइन्थ की बात करें तो हमारे पास एक आइडेंटिटी कहीं ना कहीं बनती है अगर अपन लेके चले तो कुछ इस प्रकार से कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है। साथ में लिखेंगे बच्चे आगे पीछे नहीं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब अगर अपन बात करें कि हमारे पास पहला प्रश्न किसी ने देख रखा हो x प्लस 2y प्लस 4z का कितना होल स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा के पास x का स्क्वायर प्लस शायद 2y का होल स्क्वायर प्लस शायद 4z का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ए कितना है आपके पास, दिस इज ए दिस इज बी दिस इज सी। ए कितना है आपके पास 2x, बी कितनी हो जाएगी आपके पास 2y शायद 2bc। बी कितना है तुम्हारे पास 2y और सी कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 4z प्लस 2ac। ए कितना आपके पास x और सी कितना आपके पास 4, 2 into x into कितना 4। तो सर अगर ऐसे में बात करी जाए और सिस्टमैटिक बात करी जाए तो कितना हो जाएगा आपके पास x square plus 4y square plus 16z square plus 4xy plus 4yz plus 8xz। सर ठीक है, अच्छी बात है, कहीं ना कहीं तो सिस्टमैटिक बात भी है और अच्छा भी है। मैंने बोला हाँ बात तो खैर सही है। सर कहीं ना कहीं अगर आपसे कहीं ना कहीं तो सर यहाँ पे अगर अपन देखें और सिस्टमेटिक देखें तो यहाँ पे 2 2 4 4 4 कितना हो जाएगा 16। तो सर यहाँ पे हो जाएगा 16yz। सर कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए आपके पास कि 2x माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, तुम्हारे पास ये क्या है ये क्या है बी एंड ये क्या है, तो कहीं ना कहीं ये 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस माइनस जेड का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ac। तो 2ab मतलब 2 इंटू कितना आएगा 2x इंटू कितना माइनस वाई, क्योंकि तुम्हारे पास ये a है और ये क्या है b प्लस 2bc। b कितना है माइनस वाई और c कितना है माइनस जेड प्लस 2ac। a कितना है आपके पास शायद 2x, a कितना है आपके पास 2x और b कितना है आपके पास c कितना है माइनस जेड। तो सर ऐसे क्वेश्चन में आंसर क्या बन जाए बताओ, 2x का होल स्क्वायर कितना हो गया 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, 2 into 2 कितना हो गया 4 और माइनस वाई, तो ये हो जाएगा माइनस 4xy माइनस 2yz 2 2 4 माइनस 4xz माइनस व्हाट 4xz। अगर हम बात करें तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया, गेटिंग इट। सर बात तो अच्छी है और थ्योरम भी अच्छी चल रही है। मैंने बोला हाँ यार अब अगर कहीं वापस से एक बार मैं आपके लिए आइडेंटिटी लिखूं कि आप और मैं समझ ही क्या रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी का अगर हम होल स्क्वायर निकाल रहे हैं तो वो होता ही क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। मेरे पास अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है 3a माइनस 7b माइनस सी का कितना होल स्क्वायर, तो a की जगह पे क्या है 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3a का स्क्वायर प्लस माइनस 7b का स्क्वायर प्लस माइनस c का स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ac।
ए क्या है आपके पास, थ्री, कॉपी नहीं कर, तो टू इंटू ए कितना आपके पास, थ्री ए, और बी कितना आपके पास, सेवन बी, प्लस टू बी सी, बी कितना है -7b, और c कितना है -c, प्लस 2 अगर अपन बात करें तो ac कितना हो जाएगा आपके पास, a कितना आपके पास 3a, और c कितना है आपके पास -c, सही है यहाँ तक। तो सर ऐसे में तो 3a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस शायद 49b स्क्वायर प्लस शायद c स्क्वायर, 2 इंटू 3 इज 6, 6 इंटू 7 इज 42, माइनस 42ab, 2 इंटू 7 इज 14, माइनस 14bc, 2 3 जा 6, तो हो जाएगा माइनस 6ac। सर ठीक है, बातें तो खैर अच्छी हैं और सिस्टमेटिक देखें तो क्वेश्चन तो अच्छा ही था। मैंने बोला मेरे पास एक और क्वेश्चन है इसी प्रकार का, अगर आप लोग देखना चाहें तो 1/4a माइनस हाफ बी प्लस वन इज का होल स्क्वायर। अभी सर इस बार ए की जगह पे बच्चों से पूछना चाहूंगा क्या है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो सर ए स्क्वायर जब आप बोल रहे हो तो वो ए का स्क्वायर होगा कि 1/4a का होल स्क्वायर सर? जब बी होगा तो माइनस हाफ बी का होल स्क्वायर, सी होगा तो वन का स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू, बी कितना है, बी बी माइनस हाफ बी इंटू सी की जगह पे कितना है वन, प्लस टू ए कितना है 1/4a, और सी कितना है आपके पास वन। तो अगर अपन बात करें और अच्छे से बात करें तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 1/4 का कितना हो जाएगा 1/16a² माइनस 1/2 का होल स्क्वायर निकालोगे तो कितना हो जाएगा 1/4b². याद रखिएगा स्क्वायर हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव, स्क्वायर हमेशा क्या रहता है, वन का स्क्वायर कितना हो गया वन, शायद यहाँ से टू क्या हो गया कैंसिल, तो ये हो जाएगा -ab/कितना 4, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो कितना आ जाएगा -b, ये 1 जा ये 2 जा, ये आ जाएगा आपके पास कितना हाफ ए, ये कितना आ जाएगा आपके पास हाफ ए। एक बार चेक कीजिए अच्छे से आ समझे, तो सर आप क्या समझाना चाह रहे हैं? तो देखो अब अगला है कि आपको इसी क्वेश्चन का उल्टा फॉर्म दिया, लेट्स से इफ समवन हैज गिवन यू लाइक दिस, अगर मैं बात करूं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में गिवन है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा माइनस कहाँ कहाँ है, एक तो याले फिगर में वाई जेड में माइनस और xz, इसका मतलब सर कहीं ना कहीं z वाला फिगर नेगेटिव होगा, z वाला फिगर क्या रहेगा आपका नेगेटिव। क्या अगर अपन देखें तो इसको अपन पर्टिकुलरली लिख सकते हैं क्या, 2x का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं -4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब 2 इंटू कितना 2x इंटू 3y प्लस 2bc, ये b है तुम्हारे पास और ये क्या है c, 2 इंटू 3y इंटू -4z प्लस अगर बात करूं 2 इंटू कितना, अगर अपन बात करें 2ac ना, तो 2 इंटू 2x इंटू -4z, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12xy हो गया, 2 3 जा 6, 6 4 जा कितना 24, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16। सर कहीं ना कहीं ये a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac हो गया, सही है क्या? Yes, sir. सर कहीं ना कहीं आपको ये किसकी आइडेंटिटी होती है, a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर। तो अगर अपन बात करें और अच्छे से बात करें तो हमारे पास a कितना हो गया, सर a हो गया आपके पास 2x, b कितना हो गया आपके पास 3y,
एंड सी कितना हो गया आपके पास माइनस फोर जेड का होल स्क्वायर. नाउ दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. सर क्या बात कर रहे हैं, मैंने बोला बातें तो खैर अच्छी ही हो रही है, अगर बच्चे देखना चाहे और समझना चाहे तो बातें काफी क्लियर है, सिस्टमेटिक है. तो सर अगर अपन आगे की बात करें तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखें तो कैसा चल रहा है. सर कहीं ना कहीं इन क्वेश्चन के बारे में ये बात करनी पड़ेगी कि ये आपके पास कहीं ना कहीं क्या है, 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 8z का स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz. सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि हम लोग ये चेक करें कि माइनस किस किस में आ रहा है. सर अगर आप और हम चेक करें तो एक तो इधर माइनस आ रहा है और एक इधर माइनस आ रहा है, मतलब सर कहीं ना कहीं x के साथ जो भी टर्म है वो क्या है, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी क्या है x. तो सर इसको आप क्या लिख सकते हो, टू किसका स्क्वायर होता है, रूट टू का, और वो भी कौन सा, माइनस रूट टू. तो माइनस रूट टू एक्स का कितना होल स्क्वायर प्लस y का कितना होल स्क्वायर. सर 8 का रूट अगर निकालना चाहे तो ये 8 है, ये 2 से गया, फिर ये 2, फिर ये 2 से गया, फिर ये 2, फिर ये 1, तो 2 रूट 2 सेट का कितना आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस 2ab. हमारे पास a क्या है, x, और b कितना है, y. 2ab प्लस 2bc, b कितना है, y, c कितना है, 2 root 2 z. तो सर ये b और c भी हो गए. सर ठीक है, अच्छी बात है. सर अगर हम और आगे की बात करें तो आगे क्या है हमारे पास, अगर हम लेके चलें तो सर देखो ना, अगर अपन बात करें और सिस्टमेटिकली बात करें तो 2a, a कितना है हमारे पास, माइनस रूट टू एक्स, और ये कितना है, टू रूट जेड. अब तो चेक कर ले, कहीं ना कहीं टू इंटू माइनस रूट टू, माइनस टू रूट टू ही हो रहा है, टू इंटू टू रूट टू इज फोर रूट टू हो रहा है, टू टू सा फोर, और रूट टू इंटू रूट टू क्या हो गया, टू, तो टू टू सा फोर, और रूट टू इंटू रूट टू अगर टू है तो कितना हो गया, एट एक्स जेड. ये क्या हो गया आपके पास, एट एक्स जेड. तो सर कहीं ना कहीं ये आपके पास ए स्क्वायर, फिर शायद बी स्क्वायर, फिर शायद सी स्क्वायर, टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी के आसपास आ गया. इसका मतलब ये है ही क्या आपके पास, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. तो सर ए कितना हो गया आपके पास, माइनस रूट टू एक्स, अगर हम लोग बात करें माइनस रूट टू एक्स प्लस कितना वाई प्लस टू रूट टू जेड का होल स्क्वायर, कितना, क्योंकि आपके पास ए की जगह पे ये है, बी की जगह पे ये है, और सी की जगह पे ये है. सर ठीक है, बातें तो खैर अच्छी है, मैंने बोला प्राइस के नाम हाँ. पे हम इसे दो बार लिख चले. अब अगर सर हम लोग एक आइडेंटिटी को देखना चाहें किस प्रकार की, आप और मैंने कल सीखी थी इस प्रकार से कि a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी प्लस बी. इसको चाहो तो और संवार के ये भी लिख सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी, क्योंकि ऐसे में और यहाँ पे बी जब मल्टीप्लाई होगा 3ab स्क्वायर. अब अगर मुझसे कोई पूछे कि सर 2x प्लस 1 का होल क्यूब कैसे खोलोगे, मैं बोलूंगा देखो इसका तो 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर, मतलब क्या 2x का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 ए कितना है 2x इंटू 1 का स्क्वायर. तो अगर अपन बात करें 2x का क्यूब कितना हो गया 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 इंटू 4 कितना हो गया
12x square 3 into 2 6x और 1 कितना 6x सर ठीक है मतलब यहाँ पे आपका 2 का स्क्वायर कितना हुआ था 4x square सर अच्छी बात है क्वेश्चन तो अच्छा है मैंने बोला इसी में अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो 3 by 2x plus 1 का होल क्यूब तो कहीं ना कहीं हो जाएगा 3 by 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर मतलब 3 by 2x का होल स्क्वायर इनटू कितना b प्लस 3 इनटू 3 by 2x इनटू कितना 1 तो सर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें और सिस्टमैटिक बात करें तो ये तुम्हारे पास कहीं ना कहीं हो जाएगा 9 by 8 x cube plus 1 था 27 by 8 क्योंकि 3 का क्यूब कितना होता 27 1 का क्यूब कितना हो गया 1 3 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 2 का स्क्वायर होता है 4 x square 3 into 3 कितना हो गया 9 by 2x 9 by 2 पर ये भी अच्छी ही बात है मैंने बोला हाँ बातें तो खैर अच्छी ही हैं अगर हम लोग सिस्टमैटिक देखें और अच्छे से देखें तो बातें सिस्टमैटिक भी हैं बातें अच्छी भी हैं सर हम किस तरफ जा रहे हैं अगर हम आगे की बात करें तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या था तो सर वो कहीं ना कहीं था a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर ऐसा भी बोल सकते हैं और आप ऐसा भी ले सकते थे a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 a b और ब्रैकेट में a माइनस b तो ये दोनों ही आइडेंटिटीज हैं क्वेश्चन कुछ ऐसा है मेरे पास 2a माइनस 3b का होल क्यूब तो हो जाएगा 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू b डेट इस 3b प्लस 3 a की जगह कितना आएगा 2a और b की जगह पे कितना आएगा 3b का स्क्वायर नाउ दिस इज a क्यूब दिस इज b क्यूब a क्यूब मतलब 2a का होल क्यूब मतलब कितना 8 a क्यूब 27 b क्यूब 3 into 2a का होल स्क्वायर कितना हो गया 4a स्क्वायर into 3b 3 into 2a कितना हो गया 6a 3b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9b स्क्वायर तो कहीं ना कहीं ये 8 a क्यूब माइनस 27 b क्यूब 3 into 4 is what 12 और 12 into 3 is what 36 शायद 12 a स्क्वायर into 3b कर देंगे इसको 6 into 9 is what 54 a b स्क्वायर तो ये हो जाएगा 8 a क्यूब माइनस 27 b क्यूब माइनस 36 a स्क्वायर b प्लस 54 a b स्क्वायर सर बात तो अच्छी बोल रहे हो मैंने बोला हाँ बातें तो खैर अच्छी ही हैं अगर हम बात करें और सिस्टमैटिक देखें इस पर्टिकुलर चीज को तो बातें अच्छी हैं सिस्टमैटिक हैं सर अगर ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखा जाए कि आप किस तरफ लेके जाना चाहते हैं मैंने बोला देखो ना यार एक क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा भी है x माइनस 2 बाय 3 y का होल क्यूब तो सर इसमें आप क्या करोगे a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर तो अपने पास x का क्यूब कितना आ गया x क्यूब 2 का क्यूब कितना हो गया 8 3 का क्यूब कितना हो गया 27 y क्यूब 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल 2x स्क्वायर y 3x इनटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 by 9 y स्क्वायर 1s एंड नाउ दिस इज 3s इट बिकम्स x क्यूब माइनस
8/27 y³ - 2x²y + 4/3 xy² सर बातें तो खैर अच्छी हैं। मैंने बोला हाँ मतलब बातें तो अच्छी ही हैं और अच्छी ही कहलाएंगी ये की बातें। सर आप और क्या समझाना चाहते हो अगर हम बात करें और सिस्टमेटिक बात करें? तो हमारे पास गेम कुछ ऐसा है कि जब आप 99 का क्यूब निकालना चाहते तो 99 का क्यूब वैसे तो इसी आइडेंटिटी से लगेगा। कैसे आप इसको लिखोगे? कितना 100 - 1 का होल क्यूब, जहाँ पे a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी आपने और मैंने पढ़ी है a³ - bq - 3a² b + 3ab² इट वुड बी 100 का क्यूब - 1 का क्यूब 3 × 100² × 1 + 3 × 100 × 1² तो अच्छी बात है। नेक्स्ट इज व्हाट 102 का क्यूब, मतलब शायद 100 + 2 का होल क्यूब। सर यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी के होल क्यूब की, जो कि होती है a³ + bq + 3a² b + 3ab² अगर अपन इसको पुराने वाले को सॉल्व भी करना चाहें तो सर कहीं ना कहीं पहले इसको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इसके लिए अपने को 100 - 1 - 3 × 0 + 3। तो ये अब आपको देखना पड़ेगा कि शायद 1,00,000 में से 30,000 गए, 1,00,000 में से अगर मैं 30,000 गए तो शायद 9,70,000 बचे बदले 9,70,000 और माइनस वन प्लस 200 मतलब कितना 299 ऐड करके देख ले। 102 के क्यूब पे जाओगे तो वो कितना हो जाएगा? 100 का 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 × 100² × 2 + 3 × 100 × 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर 998 का क्यूब जाओगे तो वापस से a माइनस बी का कितना होल क्यूब, मतलब शायद a³ - bq - 3a² b + 3ab² दिस इक्वल टू 1,000 का क्यूब - 2 का क्यूब - 3 × 1,000² × 2 × 1,000² लंबा क्वेश्चन है, सॉल्व करोगे समझ में आएगा। इसी प्रकार से ट्राई करो इसको।